जय हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिकल डांसर्स। हमने लास्ट सेशन में क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। स्टैटिक प्लेलिस्ट में अब हम स्टैटिक जीके में रहकर अभी तक हम रेलवे जोन्स को डिस्कस कर चुके हैं, कमांड्स, रैंक्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिकल डांसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे एफकैट में, टेरिटोरियल आर्मी में, अग्निवीर में, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आपसे स्टेट पूछ सकते हैं। इवन एनडीए के केस में भी मैच द फॉलोइंग में, सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में मैं कह सकता हूं कि थोड़े से विद इन द लाइंस भी यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओके, नंबर वन अब हम डिस्कस करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको याद रखना है, दैट इज अ तमिलनाडु। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु, पर्टिकुलरली इन द थंजावुर डिस्ट्रिक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर। इट वॉज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय देवदासिस टेम्पल डांसर एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है। भरतनाट्यम यूज इज अ वास्ट रिपर्टोयर ऑफ हैंड जेस्टर्स, मुद्र, यहाँ पर हैंड जेस्टर्स को यूज किया जाता है, मुद्रास को, दैट कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग एंड इमोशंस। अभी जो विद इन लाइंस हैं यहाँ पर कि भी हैंड के जेस्टर्स कन्वे करते हैं, ये अब आप कह सकता हूँ कि सीएपीएफ या सीडीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इफ यू सी द एफ कैट वन, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में इसको यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। नंबर टू इज कॉल्ड अ कथकली। कथकली कहां से याद रखना है आपको, दैट इज द केरला वन। ठीक है, कथकली इमर्ज इन द 17th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द केरला। ठीक है, अभी यहां पर चल भी रहा था, केरला न्यूज में था कि नाम चेंज करवाना चाहते हैं, ऑल्दो अभी वो कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बट वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट्स, इस चीज से डील किया जाता है। अब कथकली में क्या यूज होता है, हैंड जेस्टर्स जो हमने लास्ट में किया अभी, मुद्रास एंड द फेशियल एक्सप्रेशन रसास टू कन्वे द इमोशंस एंड टेल स्टोरीज। कथकली टिपिकली डिपिक्स स्टोरीज फ्रॉम द इंडियन एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत एंड द पुराण्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो के से केरला, ये आपको याद रखना है। अब नंबर थ्री, फिर दोबारा से अब के पे आ गया, कथक। कथक इज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। कथक हैज इट्स रूट्स इन द ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस ऑफ एंशियंट नॉर्दर्न इंडिया। एक स्टोरी टेलिंग की एक ट्रेडिशनल तरीका है यहाँ पे, उस वहां से इसके रूट्स हैं। इवॉल्विंग ओवर द सेंचुरीज इन द कोर्ट्स ऑफ मुगल रूलर इन उत्तर प्रदेश। इट कंबाइंस डांस, डांस को मिक्स कर रहा है, म्यूजिक को, स्टोरी टेलिंग को, तीनों चीजें, DMS आपको याद रखना है, ये डांस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग तीनों कंबाइन कर रहा है, तीनों एलिमेंट्स को। कथक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेसफुल मूवमेंट्स, इंट्रिकेट फुटवर्क, ठीक है, स्पिन्स एंड राइदमिक पैटर्न्स, ठीक है, ताल, ठीक है। तो कथक इससे अच्छे यहाँ पर क्या कर रहा है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स को यहाँ पे कैरेक्टराइज कर रहा है। बट आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट है कि डांस, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग को कंबाइन कर रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट फोर्थ वन आ गया आपके पास दोबारा से के से, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहां पर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी न्यूज में चल रहा है बिकॉज अमरावती यहां पर कैपिटल आ गई है, सबसे पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेस पे बना आंध्र प्रदेश था। उसके बाद एग बाउल बोलते हैं, कोहिनूर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, ये चारों फैक्ट्स आपको पता हो अबाउट द आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है जो ओरिजिनेट हुआ है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में भी, तो विलेज ऑफ कुचिपुड़ी इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप सबको पता है ये चार नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले महानदी आ रही है जिसके ऊपर हीराकुड डैम, उसके बाद महानदी के ऊपर जीके पढ़नी है, पहले गोदावरी आएगी, फिर कृष्णा आएगी एंड उसके बाद कावेरी आएगी। ठीक है, तो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है। कुचिपुड़ी डेट्स बैक टू द 2nd सेंचुरी, ऑरिजिनेटिंग एज अ डांस ड्रामा ट्रेडिशन था, परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण मेल्स इन द टेम्पल्स एंड लेटर ऑन इवॉल्विंग द सोलो डांस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेटर ऑन ये एक सोलो डांस फॉर्म कितना इवॉल्व हो गया, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन सा सोलो डांस फॉर्म है। ठीक है, कुचिपुड़ी। इट इज टफ बिकॉज इट रिक्वायर्स होल लॉट ऑफ रिचुअल्स फ्रॉम लाइटिंग द इंसेंस स्टिक्स टू द स्प्रिंकलिंग होली वाटर एंड प्रेइंग टू द लॉर्ड। ठीक है, इसमें सब कुछ चीजें चाहिए होती है, इसलिए इसे कहा जाता है कंसिडर टू बी द टफ वन। ओके, तो याद रहे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सारे आपसे के कैसे हुए हैं ये तो आपको बिल्कुल याद ही रहेगा कि भाई मणिपुरी मीन्स द मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुरी इज अ क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द मणिपुर। इट्स नोन फॉर द टू प्राइमरी स्टाइल्स, रासलीला और नट
सन कितना, इसके लिए यहाँ पर ये फेमस है। ठीक है, रासलीला यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा, राधा कृष्णा की लव स्टोरी को डिपिक्ट कर रही है, रासलीला आप सबने ही सुनी होगी। एंड सेकेंड इज सेकेंड स्टाइल, इट इन्वॉल्व स्टोरी टेलिंग थ्रू डांस म्यूजिक एंड ऑफन परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में होता है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा, भी कुचिपुड़ी वाला सोलो डांस लेटर ऑन इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये ग्रुप्स में है, डांस म्यूजिक इसके थ्रू स्टोरी टेलिंग की जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। मणिपुरी से आपको याद रहेगा, ये भी बिल्कुल नाम से याद रहेगा आपको, उड़ीसी मीन्स उड़ीसा। ठीक है, अभी हमने क्लासिकल लैंग्वेज में भी करा था उड़िया द लेटेस्ट वन। तो उड़ीसी इज अ क्लासिकल डांस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, महानदी आपको याद रखनी है, उड़ीसा वाला पार्ट। एंड इसके यहाँ पे जो प्लेन है उनको क्या कहते हैं, उत्कल प्लेन। आप जनगण मन में देखा होगा आपने उत्कल। ठीक है, ये उत्कल प्लेन है। डांस इज बेस्ड ऑन द जेस्टर्स एंड मूवमेंट्स और द मुद्रास। उड़ीसी हैज एंशियंट ओरिजिन डेटिंग बैक टू द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा वेर इट वॉज परफॉर्म्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड स्टोरी टेलिंग बाय टेम्पल डांसर नोन एज महारीज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है फॉर द सीडीएस परस्पेक्टिव, सीएपीएफ। ठीक है, एफकैट में आपसे इतनी डीप में नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बट आपको ये तो नाम से पता लग रहा है कि उड़ीसा से है। उसके बाद डांस किसके बेस पे है, जेस्टर्स एंड द मूवमेंट और द मुद्रास। ठीक है, वेयर इट वॉज परफॉर्म्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड स्टोरी टेलिंग बाय टेम्पल डांसर, वो क्या कहते थे, महारिस। नाउ नेक्स्ट इज मोहिनीअट्टम, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, दोबारा से केरला में सेकंड आ गया। ठीक है, इट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द केरला वेयर इट इज डेवलप्ड एज अ टेम्पल डांस परफॉर्म्ड बाय द देवदासिस टेम्पल डांसर्स एंड लेटर ऑन ये भी इवॉल्व हो गया एज अ सोलो डांस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि लेटर ऑन क्या हुआ, इवॉल्व हुआ सोलो डांस। मोहिनीअट्टम दो वर्ड से बना है, मोहिनी ठीक है इंचांट्रेस एंड द अट्टम मींस द डांस। ठीक है, ये पोर्ट्रे कर रहा है डांस फॉर्म को एज अ डांस ऑफ द इंचांट्रेस। देन तो इन दो वर्ड से बना हुआ है मोहिनीअट्टम, क्लियर, केरला का डांस है, ये आपको याद रखना है। एंड अगर आप अभी साथ साथ इसको कैच नहीं भी कर पा रहे हैं तो जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं टेलीग्राम चैनल राष्ट्रीय सेवा के, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रॉपर लिंक्स दे रखे हैं, इंस्टाग्राम का भी, यूट्यूब का तो आप देख ही रहे हैं, एंड उसके अलावा टेलीग्राम का भी, जितने भी मेरे सेशन चल रहे हैं सबकी आपको यहाँ पर पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द सतरिया डांस असम। सतरिया इवॉल्व फ्रॉम द डांस ड्रामा परफॉर्म्ड इन द मोनेस्ट्रीज ऑफ असम, असम की मोनेस्ट्रीज में था, पर्टिकुलरली द वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज। ठीक है, याद रखना है पर्टिकुलरली द वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट रिफॉर्मर श्रीमंता। ठीक है, श्रीमंता शंकरा देवा। ठीक है, शंकर देवा, डन, ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलरली द वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज। सतरिया डांसर्स वियर ट्रेडिशनल असम अटायर, असम की जो अटायर उसको पहनते हैं विच इंक्लूड्स व्हाइट और क्रीम कलर्ड धोती रैप्ड अराउंड द वेस्ट एंड द चादर दैट्स द अपर गारमेंट। डन, ये आपको याद रखना है। अब मणिपुरी वाला तो आप देख के याद कर लेंगे, उड़ीसी वाला भी देख के याद कर लेंगे, बाकी जितने भी हैं कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, भरतनाट्यम, सतरिया, इसमें आपको एक रिवीजन की जरूरत है। सोर्स इसका सीसीआरटी है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के वहां से लिए गए हैं। तो अब आज के सेशन के बाद हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हो गई हैं, क्लासिकल डांसेस हो गए हैं, रेलवे जोन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कमांड्स एंड रैंक्स हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना टाइगर रिजर्व्स को। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है मैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगा, सो डेट आप एक ही जगह पे सारे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, मुझे आज सुबह एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में, तो मिलिट्री एक्सरसाइज आई एम जस्ट वेटिंग कि 10 दिन और हो जाए फिर एक साथ, बिकॉज लास्ट के 6 मंथ्स की तो कंपाइल करके मैंने रखी हुई है। 10 दिन के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सरसाइज आ जाती है तो हम जुलाई 20 के बाद यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी डाल देंगे। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।